आपने गिलहरी के बारे में अभी तक सुना होगा, और गिलहरी हमारे हिंदू धर्म में और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि गिलहरी एक भोला जीव है। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बता रहे हैं जिसमें हम आपको उड़न गिलहरी के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल ये उड़न गिलहरी दक्षिण भारत के घने वनों में पाई जाती है, किंतु यह अरावली के वनों में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर के वन क्षेत्र में भी पाई गई है। इस अभयारण्य में यह पर्याप्त संख्या में पाई जाने से अभयारण्य इसके लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है जो इस अभयारण्य में महुआ, बहेड़ा, सादड़ आदि वृक्षों पर रहती है। वह ग्रेडिंग शूट का पित महुआ और महुआ फूल एवं सादड़ के फूल का पित यह खाती है। इसके शरीर के ऊपरी भाग पर गहरे भूरे रंग के घने बाल होते हैं तथा नीचे हल्के बाल होते हैं। इसके पूंछ का सिर काला होता है। सामान्यतः लंबाई इसकी 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। नर से मादा की लंबाई इन गिलहरियों में कम होती है। आगे और पीछे के पैरों के बीच झिल्ली नुमा सेप्टा होता है, जिसे फैलाकर ये पैराशूट की तरह ऊपर से नीचे की ओर 40 से 50 मीटर दूरी तक ग्लाइड करती देखी गई है। वृक्षों पर यह पर्याप्त ऊंचाई पर क्वार्टर बनाकर रहती है। सीतामाता अभयारण्य में यह आरामपुरा, जाखम, सरी पीपली, सांगरी खेड़ा, रणा, डबेला, खेरवेली आदि क्षेत्रों में जहाँ जहाँ महुआ के वृक्ष हैं वहाँ उड़न गिलहरी अच्छी संख्या में पाई जाती है। हम आपको इसी उड़न गिलहरी का ये दृश्य दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये उड़न गिलहरी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर जा रही है और इसकी गति सामान्य